आपका नाम? मेरा नाम सोनी शोरी है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और मतलब बस्तर संभाग दंतेवाड़ा जिला से आती हूँ। और आज मतलब और दूसरी बात, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और इससे पहले मैं एक टीचर थी, और टीचर से आज सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं उभर के मतलब आज लोगों के लिए काम करती हूँ। और जब मैं टीचर थी तो वो जो मेरा बचपना है या मेरे जो पढ़ाई लिखाई, मेरे पिता किसान हैं और वो बस्तर के हैं, मतलब दंतेवाड़ा जिला से किसान की बेटी हूँ, और मेरे पिता ने पढ़ाया लिखाया मुझे इस लायक, वो एक मतलब पढ़ाई लिखाई करवा के मुझे योग्यता दिया, उसके बाद मैं एक टीचर बन गई थी। लेकिन उस टीचर के दौरान कई ऐसे चीज़ें होते रहा जो सलवा जुड़ुम हैं, और जैसे नक्सल और पुलिस के बीच की जो लड़ाई है चलती रही, तो उससे मेरा कोई लेना देना ज़्यादा नहीं था। मैं थोड़ा बहुत हिस्सेदार बनती थी क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो एक शिक्षा देना मेरा काम था बच्चों के साथ मिलके, बड़ी बहुत खुशहाल जिंदगी, और मेरे पति और मेरे बच्चे सब साथ एक है अपना ड्यूटी से घर इतनी तक था। जब लोगों को पकड़ के ले जाते थे जैसे थानों में कैंपों में, तो लोग मुझे आते थे, इसलिए मेरे पास आते थे कि मैं एक आदिवासी टीचर थी, तो मुझे बोली मतलब हिंदी आता है, तो उनको गोंडी से हिंदी बोलना नहीं आता था, उसके लिए मुझे बोलते थे। तो मैं टीचर होने के नाते कभी कैंप में थाने में जाके मैं बात करने के सहयोग करती थी कि क्यों पकड़ा है, काहे के लिए पकड़ा है, तो आदिवासी है, किसान है, ये मेरे ही परिवार के लोग हैं, किस लिए पकड़ा है। तो किसी को छोड़ दिया जाता था, तो किसी को मतलब अंदर किया जाता था, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत करती, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा महत्व था टीचर। टीचर में जो बच्चे थे, जो सलवा जुड़ से पीड़ित बच्चे थे, सलवा जुड़ में जो लड़ाई हो रही थी उस समय, कितने को माता पिता को मार दिया गया था, जो अनाथ होके रह गए थे, तो उस ऐसे बच्चे भी मेरे हॉस्टल अधीक्षिका बन गई मैं, जो गवर्नमेंट ने एक बोलते हैं ना एक हॉस्टल होता है उसमें एकजुट में वहाँ उसका एक मैं प्रेसिडेंट के रूप में और अधीक्षक के रूप में हॉस्टल वार्डन के रूप में मुझे वहाँ चुना गया था, तो उसमें मैं अपना काम करती थी। ठीक है, अब आपका आंदोलन, ये आपने बोला आपके लिए, आपके साथ आपके पास मदद के लिए आए थे, और इसके बाद आपने ये पूरा, अभी तो आप अभी भी स्कूल में टीचर का काम कर रहे हो आप, और ऐसे आंदोलन में किसे जोड़ा? देखिए, मैं जो टीचर का काम बहुत कोबी से करती थी, और पूरे जो मेरे स्कूल में ना आदिवासी टीचर है, हमारी चाची है, मेरी बुआ, ऐसे करके एक अलग जुड़ा मतलब जुड़ाव था मेरे प्रति। तो उस दौरान वहाँ जो नक्सल 2006 मतलब 2002 से मेरा वहाँ टीचर गिरी था, 2006-07 में वहाँ नक्सल का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ कि बहुत से मतलब माओस्ट ने कुछ हॉस्टलों को भी थोड़ा इसलिए तोड़ा क्योंकि उस हॉस्टल के अंदर आके पुलिस रुकती थी, रुकने के बाद गांव में बाद में लोगों को बहुत परेशान करती थी, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, पुरुषों को मारना पीटना, फिर आके उस स्कूलों में रुकने का काम, ये तमाम चीज़ों को देखते नक्सल ने स्कूलों को तोड़ना चालू किया। तो उस समय मैं हॉस्टल वार्डन थी और मेरे पास 250 बच्चे थे, तो जब मुझे भी मैं पहली बार माओवादी का, आज मुझे कहा जाता है ना कि सोनी छोड़ी माओवादी समर्थक है, माओवाष्ट है, माओवाष्ट के नाम से मुझे जेल भी डाला 2.5-3 साल जो रहे वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन मेरा माओवादी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक टीचर हूँ, मैं इतना जानती थी शिक्षा से क्या चीज़ नहीं किया जाता, जो शिक्षित होता है अपने हक से लड़ने का अधिकार मैं अपने कलम से सिखाती थी मेरे बच्चों को। तो उस समय जब हॉस्टल तोड़ने की बात आई, तो तब मुझे कुछ लोगों ने मेरे को बोले कि आपको माओवाष्ट बुला रही है चलना है, तो मैं डर गई क्योंकि मैंने सुनती थी कि माओवादी पर बंदूक होता है, किसी का नहीं सुनते, सीधा शूट करते, ऐसा मैं सुनती थी, तो मैं बहुत डर गई थी। तो फिर मेरे को दो तीन बार ऐसे ही करते करते फिर एक दिन ऐसा आता है कि बोलते हैं कि अगर आज नहीं चलोगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कतों में फंसने वाले, तो मैंने सोचा भाई मेरे को ड्यूटी तो ही करना है, अगर मैं सामना नहीं करूंगी नहीं जाऊंगी तो शायद मेरे को मार देंगे, फिर करूं तो क्या, मेरा रोजी रोटी भी है मेरी टीचर गिरी करना, और दूसरा मेरी इस बात की खुशी थी कि मेरे अपने समुदाय के बच्चों को मैं इतना शिक्षित कर रही हूँ। तो फिर मैंने इसको बहुत हिम्मत जुटा के मैं बड़ी आगे जब जाके देखती हूँ, तो वहां पर बहुत बड़ी जनआंदोलन माओस्ट ने लगा था, तो वो लोग मुझे बुलाते हैं, सेट रखते हैं, हम गांव के सारे लोग रहते हैं उस समय, फिर मुझसे पूछा जाता है कि नहीं हम लोग हॉस्टल को तोड़ने वाले हैं, तो मैंने कहा क्यों तोड़ोगे आप हॉस्टल को, तो बोले नहीं हम लोग को तोड़ना है, पूरे हॉस्टलों में पहुंच आती है। फिर मैं बैठे बैठे सोचती रही कि करूँ क्या, मेरे पास तो 250 बच्चे हैं, अगर स्कूल टूट जाएगा पूरा बिखर जाएगा, ये 250 बच्चों का शिक्षा शिक्षित हो जाएंगे, इनको शिक्षा से वंचित किया जाएगा, क्या करूँ, मैं बहुत हिम्मत जुटाई। फिर मैंने क्या किया कि
इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटा के पहली बार मेरा होता कि मैं बोली कि आप लोग किसके लिए लड़ते हैं, मेरा सवाल उनसे था नक्सलवाद से, तो उन्होंने बोला हम जनता के लिए लड़ते हैं, तो जनता के लिए लड़ते हैं, फिर आप दूसरी लड़ाई किया तो बोले जल जंगल के लिए लड़ते हैं, जनता के हक के लिए लड़ते हैं, उनके साथ अत्याचार हो तो उसके लिए लड़ते। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए, अगर आप स्कूल छोड़ रहे हैं वो स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में भी तो जनता के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो स्कूल टूट जाता है तो बच्चे और ये बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो क्या है ये आपकी जनता की लड़ाई। बहुत हिम्मत जुटा है, डर अंदर था मेरे पहली बार मैंने, उसके बाद फिर ना उन्होंने पता नहीं कुछ दूरी पे गए, मैं इस तरह से बात करें, फिर कुछ समय बाद आके बोलते हैं ठीक है आपका स्कूल रह जाएगा लेकिन एक शर्त है। मैं बोले क्या, तो बोलते स्कूल में पुलिस नहीं आना चाहिए, पुलिस आई ना तो उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा ही मतलब जनता, इतनी संख्या था गातों में लोग थे वहाँ, तो बोले कि इसी जनता के सामने आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, मौत भी या तो फिर आपको मतलब अदमा रहा नहीं गायल अवस्था में किया जाएगा, लेकिन एक शर्त मानने को तैयार हो तो मानो और निभाना पड़ेगा। अब मैं बोली क्या करूँ, पुलिस को मैं रोक कैसे सकती हूँ, मैं तो टीचर हूँ, प्रशासन से मैं कैसे लड़ सकती हूँ, प्रशासन तो बड़ी सरकार प्रशासन पुलिस प्रशासन से मेरी इतनी हिम्मत कैसी होगी। फिर मैंने सोचा अब करूँ क्या, फिर मैं बोले अगर मैं ना बोल देती हूँ तो मेरे 250 बच्चे का शिक्षा बच जाएगा, और मैं नहीं बोलती हूँ तो स्कूल टूटेगा, तो इतने बच्चे का शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। खूब सोचती रही, मैंने बोला हाँ ठीक है मैं तैयार। उसके बाद बोले पक्का तुम लड़ लोगे, वो मैं नहीं जानती लेकिन मेरे स्कूल में कोई पुलिस वाला नहीं आया, आप मेरा स्कूल मत तोड़ो, हॉस्टल को मत तोड़ो। तो उन्होंने बोला ठीक है, पूरा जनता के सामने बोला, जो वहाँ फैमिली थी सब लोगों के सामने बोले, सुन रहे हो ना सुनी छोड़ी क्या बोली, तो लोगों को सुनाए, उसके बाद छोड़ दिए। छोड़ने के बाद ना फिर 2 दिन उसी के दूसरा या तीसरा दिन कुछ हॉस्टल टूट गई, पूरा तोड़ दिया गया और मेरा स्कूल बचा, हॉस्टल बचा। फिर उसमें जब मैं बात करी ना तब मेरे बहुत से रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मुझसे कहा क्या बोल के तू आ रही है, पता भी है तुझे ये लोग कैसे होते हैं, ये किसी का थोड़ी ना सुनेंगे, बंदूक वाले हैं, तुम 3-3 बच्चों की माँ हो, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा और इतना बड़ा बात वादा कर लिए, पुलिस को रोक सकती है क्या। तब मैं एक ही जवाब दी थी, अगर मैं 250 बच्चों के लिए अगर मेरी मौत होती है तो मरने को तैयार हूँ, क्योंकि 250 बच्चों को शिक्षा बचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये बोलते मैं घर पहुँची, घर पहुँचने के बाद फिर मैं शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को बताया, और उसके बाद वाकई वहाँ पुलिस नहीं आती थी, ठीक ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद मैं ना एक शक के दायरे में आ गई, सबसे बड़ा सवाल कि सोनी छोड़ी का स्कूल कैसे बचा, बाकी का स्कूल कैसे तोड़ा गया, सोनी छोड़ी इसका मतलब नक्सल की पूरी समर्थक है, सोनी छोड़ी उसकी पूरी मदद करती है, सोनी छोड़ी का उनके साथ अच्छा संबंध, मतलब ये पूरी तरह ऐसे ही होते होते मेरे ऊपर पूरी नज़र, कांग्रेस गवर्नमेंट के कुछ नेता थे वो लोग और जो जनप्रतिनिधि थे सब लोग पुलिस प्रशासन मुझ पर नज़र रखना चालू किए और मुझसे कहने लगे ये बताओ पुलिस का माओवादी का कैंप कहाँ होता है, माओवादी कब आते हैं कब जा। तो मैं बोली मेरे को क्या मालूम माओवादी कब आते हैं कब जाते हैं कहाँ ट्रेन, मुझे नहीं पता आपका हॉस्टल कैसा नहीं टूटा। अरे मेरा तो तब इस बात का आज भी बहुत दुख लगता है कि एक बात बताओ कि मैं कैसे करके उनसे लड़ी, ये कोई नहीं पूछा कि आपका हॉस्टल कैसे बचा, आपका हॉस्टल को बचाने के पीछे क्या वजह था, ये एक नहीं पूछे, लेकिन यही बोला गया मुझे कि आपका हॉस्टल कैसे, जरूर उनके साथ आपका अच्छा कुछ ऐसा है दाल में खाला है, ऐसे बोलते रहे। तो इस तरह से मैं एक शक के डायरे में आ गई और उसी तरह से फिर मेरे ऊपर घेराव होता गया। फिर एक दिन ऐसे दिन आते हैं कि मैं नक्सलाइट को SR कंपनी से पैसे लेती हूँ और नक्सलवाद को मैं देती हूँ, ये पूरा फर्जीवाड़ा केस बना के मुझे मतलब पकड़ लिया गया। वो मेरे छत्तीसगढ़ में नहीं पकड़े, दिल्ली से मुझे अरेस्ट किया गया, दिल्ली में अरेस्ट करके फिर छत्तीसगढ़ ले गया गया, और दिल्ली में जब अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में भी रखा गया था। तो मैं साकेत कोर्ट में ये बात बोली थी कि मुझे अगर अरेस्ट किया गया है यहाँ पे तो मुझे दिल्ली में ही रखा जाए, मुझे छत्तीसगढ़ मत भेजा जाए, छत्तीसगढ़ भेजेंगे तो मैं सुरक्षित नहीं रहूँगी, मुझे पता है वहाँ क्या चल रहा है, कैसे कोई मतलब कुचल रहे हैं, कैसे निर्दयी से हत्या कर रहे हैं, कैसे महिलाओं के साथ बेरहमी से अत्याचार कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी। सकेत कोर्ट में घुटना ठीक के मैं जज के सामने मैंने इस बात को कहा था। जज उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस एक तरफ रहती है, जज ऐसे बैठते हैं सामने और जज बोलते हैं सुनो आप मेरी बात मानो, आप मत रो, आप गिड़गड़ाओ ना नहीं, आप घुटना टेक के मत मेरे सामने लाचार बन, मैं एक जज हूँ, अब मैं मेरे मतलब मेरे से आप बता रहे मैं सब सुन लिया, आपको ना छत्तीसगढ़ की पुलिस ले जाएगी, एक कोरोच भी आने नहीं देगी,
क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के पास जज के सामने इस बात को लिखित करके ले जा रही है और मेरे अंडर में हो के आप जा रहे हो, आपको कुछ नहीं हो, नहीं जज साहब मेरे साथ होगा। तो बोले नहीं, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। तो मेरे को लगा सही बात है, एक न्यायालय बोल रहे हैं, न्यायालय की कुर्सी में बैठ के एक जज बोल रहे हैं, न्याय करने वाली है वो जज बोल रहे हैं, तो मुझे विश्वास होनी चाहिए। नहीं नहीं मैं आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ, तो जाओगी ना? ठीक है आप बोल रहे तो मैं जाऊँगी। मैं वो उनके कहने से मैं छत्तीसगढ़ आई, छत्तीसगढ़ में मेरे को कोर्ट में पेश किए, फिर मेरे स्वास्थ्य कर किए, उसके बाद स्वास्थ्य 2 दिन का 3 दिन का रिमांड मांगे, तो मजिस्ट्रेट ने हमारे दंतेवाड़ा की जो मजिस्ट्रेट 2 दिन का रिमांड दी। उसके बाद मुझे अपनी कस्टडी में पुलिस लेती है, लेने के बाद उस दौरान मेरे साथ इतना पूछताछ करते हैं, इतना पूछताछ करके इस तरह से मेरे साथ बच्चलू के किया जाता है, और मेरे मतलब करंट शॉट देना, फिर मेरे पूरे कपड़ों को निवस्त्र कर दिया गया, फिर मेरे चेस्टों को जैसे बंदूक के जो होता है ना बट, जो गोली निकल उस बट से मेरे अंगों को ऐसे उठाना है, मतलब बहुत गंदे तरीके से इन्होंने जो मेरे साथ किया। उसके बाद पूरे मतलब मैं बोलते थे जब निवस्त्र किए तो मैं अपने आप को ढकने की कोशिश करें, तो उस समय वो बोलते थे कि नीचे रख, बहुत गंदे गाली मांदर चो ऐसे गाली देके करते थे। जो एसपी था वो सीधा सिगरेट फूकता ऐसा, तो उसके बाद मुझे मेरे शरीर को बोलते थे कि सीधा हाथ को नीचे रख। उस समय मेरे को ये बोलते थे कुछ पुरुषों के पुलिस वाले, इसकी बॉडी को देखो ये क्या सेक्स दे सकती है, कैसे नक्सलवाद को कुछ कर पाती है, इसके शरीर में तो सेक्स भी नहीं देख रहा, उठा के देखो तो बंदूक के नोक पे मेरे स्टन को मतलब तनों को उठाना, फिर मेरे इधर ऐसा बहुत गंदे तरह, उसके क्या मैं कल्पना करूँ इतनी गंदे तरह से। उसके बाद मुझे करंट शॉट देता है, फिर मेरे से लातों से मारना, वो जो मतलब उसके लात बूटों से उनके, फिर मैं गिर गई, फिर उठाते हैं, फिर उसके बाद फिर एस पी बोलते हैं कि बाहर निकलता है। उसके बाद वो कहने लग जाता है कि नहीं उसको ऐसा बलात्कार मतलब जो भी है शब्द बार जाओ उसको करके आओ। फिर 3 लड़के आते हैं, 3 या 4 लड़के तो आते हैं पूरे कपड़े उतार के, फिर वो गंदे डांस वो अपनी हरकतें में करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय मैं उनके गिड़गिड़ाते हैं मत करो, तुम्हारी जैसे मेरे भाई है, आप लोग इस तरह से मेरे साथ करोगे क्या मिलेगा मेरे को, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक पति है, मैं एक औरत हूँ, आपकी भी तो माँ होगी बहन होगी, मतलब इतना मैंने उन सबको। तो उन्होंने उस हद तक तो मतलब रवैया पे आए, ऐसा नहीं उसके आगे मैं और नहीं बता पाऊंगी जो मेरे को इतना तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी उनको इतने कहने के बाद वो चले जाते हैं। तो बोले कर लिया, हाँ उसके साथ तो सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया सर। उसके बाद फिर ना उन लोगों ये करते हैं कि कुछ पत्रे लाते हैं, उसके बाद फिर मेरे को बहुत बेरहमी के साथ जमीन में फेंक दिया जाता है, फिर मेरे मतलब जांघों को पकड़ाया जाता है, ये करते हैं, मैं चिल्लाते रहती हूँ, बिलबिलाते रहती हूँ। तो उस समय ये नहीं, उस समय की जो दर्द है उस दर्द से मैं इतना अपने आप को बर्दाश्त करने में मुझ में जो जो चीज़ें ढला जाता है तो उसको इतनी अंदर तक कोचे जा रहे हैं कोचे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या अंग से कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ से कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में। तो इतना बेदर्द और बहुत बेशर्मी के साथ मुझे मतलब ऐसा किया जाता है। फिर उसके बाद बहस हो जाती हूँ, बहस होने के बाद फिर मैं जब दूसरे दिन मतलब देखती हूँ अपने आप को तो मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को क्या गया, उतना तो है, फिर मेरा पूरा मतलब स्थिति ऐसे हो जाता है। फिर मैं बाथरूम की ओर बढ़ती हूँ तो तब मैं देखती हूँ कि मेरे खुद का गुप्तंगे का इतना बदसलूक को इतना बुरा हाल और इतनी सूजन, मैं बोलती हूँ ये हो क्या गया। फिर मैं बैठती हूँ तो देखती हूँ कुछ पत्रे बाहर आ जाते हैं, कुछ पत्र अंदर रह जाते हैं, तो मुझे बहुत वो लगा, तो मैं किससे क्या बता। फिर उसी में मेरे बहुत हालतें हो जाती, फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ, फिर से गिरते पूरी गिर जाती हूँ, अस्पताल ले जाते। अस्पताल ले जाने के बाद फिर उन लोग, सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल ले गए, अस्पताल ले जाने के बाद मेरे परिवार को मुझसे मिलाने नहीं दिया जाता है किसी को नहीं। फिर वो अस्पताल से मुझे वो मजिस्ट्रेट 2 दिन का रिमांड था, दूसरे दिन खत्म होता है रिमांड, तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद मुझे बाहर रखा जाता है। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे मजिस्ट्रेट से पेश करो, मजिस्ट्रेट के पास 2-3 घंटे मेरे को न्यायालय के बाहर रखा जाता है, एक कागज लाया जाता है, बोलते इसमें दस्तखत करो आप, मैं नहीं करूँगी दस्तखत, मुझे मजिस्ट्रेट के पास पेश करो, मजिस्ट्रेट के पास पेश करो, मेरे परिवार को मेरे से दूर रखा गया, इतना उठ नहीं सकती हूँ मैं गाड़ी में, उसके 20 सीट में सुला के मुझे। तो उसके बाद ना फिर आते हैं और बोलती है पुलिस, अच्छा मजिस्ट्रेट ने ना लिखित में दे रही है कि वापस तुम अपने पास ले जाओ। तो मैंने सोचा अरे यार ये तो और स्थिति खराब हो गई मेरी, ये तो मुझे और ऐसी तैसी करेंगे, मगर इनके कस्टडी में जाऊँ, मजिस्ट्रेट ऐसे कैसे कर रही है, अब मेरे पास वहाँ कोई था ही नहीं तो मैं किसको बताती। फिर मैं सेंड करती, नहीं 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 मेरे को आप लोग के पास नहीं जाना, मतलब मन में सोचती हूँ मैं पुलिस कस्टडी में नहीं जाऊँगी, बोले मैं इसको दस्तखत करने से फिर जेल भेजेंगे बोले, तो मैं वहाँ पर सेंड करती हूँ। सेंड करने के बाद जैसे ही मजिस्ट्रेट पर पेश होता है मेरा कागज, तुरंत कुछ देर के बाद गाड़ी में बैठते स्टार्ट करते, तो मैं बोलती हूँ नहीं मेरे को मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ,
तो बोलते हैं नहीं मजिस्ट्रेट तो बोल दी जेल जाने, तो जेल ले जाते हैं, तो जब जेल ले जाते हैं तो वहाँ जेल वाला नहीं लेता, ये क्या करके लाए, मैं जेल नहीं देंगे। तो इस तरह से चीज़ें हुई, मतलब जो मैं आपने नहीं पूछा कैसे उभरे, तो इतनी सारी चीज़ें हुआ। फिर जेल में जाने वो जेल नहीं लेता, उसके बाद फिर मुझे फिर से अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जगदलपुर जेल रिजेक्ट करती है, तो रायपुर जेल में मेरे को ग्लूकोज चढ़े रहते हैं सब ऐसा, तो मेरे घुट नहीं सकते, पूरे ग्लूकोज को फेंक दिया जाता है, पूरा मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलाते ले जाते हैं लोग, मतलब रायपुर जेल में। उसके बाद रायपुर जेल में जैसे गेट आती मुझे पीछे से लात मारा जाता है कि तुम्हारी ये औकात है कि तुम उधर मैं गिर जाती हूँ, ये औकात है तेरी, तू इसी लायक है, ऐसे गंदे गालियों से मुझे लात मार के जेल के गेट पर फेंक दिया जाए। फिर जब जेल वाली बोलती है उठ जल्दी नौटंकी मत कर, अरे इतनी हालत खराब होने के बाद फिर उठती हूँ तो फिर मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो फिर ऐसा दीवार के किनारे में जब बैठ जाती हूँ तो उसमें भी बाल को खींचा जाता है, मतलब ये सारे चीज़ें, मतलब बहुत कुछ चीज़ें मुझे इस तरह से चाहिए। जब मजिस्ट्रेट के पास में कुछ समय के बाद लाया जाता है मुझे, तो मैं मजिस्ट्रेट बोलती है मुझे, अभी भी याद है मुझे, वशनी करो मजिस्ट्रेट दी, कि वो बोलती है कि मैडम अभी कैसे हो, तो मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, मैं कैसे हो सकती हूँ, आपने तो बहुत अच्छा ताकत दे दिया मैडम। उस दिन अगर मुझे ये चीज़ पूछते, जब आप दो दिन का रिमांड में दिए थे, दो दिन के रिमांड में अगर आप मुझे ये बोलते कि उसको बुलाओ और आपके सामने उस दिन मेरे को पेश करवाते, मैं बताती मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं आपके सामने जब मेरे को ले गए तो मैं बहुत समझते थी ना, बहुत अच्छी थी ना, लेकिन उसके बाद मैडम जब पुलिस दो दिन का रिमांड मांगने पर आपने अपनी न्यायालय में मेरे को क्यों नहीं पेश करने का आदेश दिया, पता भी है मेरे साथ क्या हुआ, पेश करने का आदेश दिए होते तो मैं आपको बताती मेरे साथ क्या क्या दो दिन के अंतर में हुआ था, और कैसे कैसे हरकत की है मेरे साथ, कितनी क्रूरता के साथ मेरे को नोचा गया, मेरे को कैसे कुचला गया, मेरे साथ क्या शर्मसार किया गया, मैं बताती मैडम आपने क्यों नहीं फेस किया। तो वो बोलती है नहीं मैं तो हमारा असिस्टेंट को भेजी थी, तो मुझे क्या मालूम मैडम हमें असिस्टेंट है कि कौन है आपके, मैं कैसे जानूँ, तो मेरे को तो बताया आपकी तबीयत खराब है तब तो आपको और मेरे को बुलाने चाहिए, अगर आपकी न्यायालय में क्या दो व्यक्ति या चार व्यक्ति नहीं थे मैडम मुझे कंधा दे के आपके न्यायालय में लाने के लिए, आप क्या करोगे, आप क्या न्याय दे सकते, आपकी औकात ही नहीं है, आप मुझे पूछो ही नहीं, बस आप ये बताएं अपना कौन सा कार्रवाई करने वाले। उस दिन से वो वशनीकर मैडम कभी मेरे को जब भी कोर्ट में पेश करने से नीचे मुंडी ऐसा करती थी और मुझे देख भी नहीं पाती थी, तो इतना मतलब उन्होंने जवाब दी। तो ऐसे करके जेल में डाला गया, जेल में भी मतलब जैसा छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर दंतेवाड़ा मतलब जगदलपुर जेल रायपुर तिहाड़ कलकत्ता इन चारों जेलों में घुमा गया। फिर सबसे ज़्यादा मेरा तब मैं बची जब मैंने एक चिट्ठी जेल से लिखा हिमांशु सर को, हिमांशु सर ने बड़े मुश्किल से मेरे भाई मेरे से चिट्ठी लिए उन तक पहुँचाए, फिर वो HRLN को हिमांशु सर ने भेजा, फिर HRLN ने जब सुप्रीम कोर्ट में लगाए कि इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, तो सबसे बड़ी बात HRLN की ये बात है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, अगर वो ना भरोसा करते हो सकता है झूठा भी हो सकता है, मैं उसके एक चिट्ठी के भरोसा पे मैं कैसे डाल सकता हूँ, शायद मैं आज यहाँ जिंदा नहीं रहती, शायद मैं आज बस्तर के जो मतलब कि लड़ाई का एक उसके एक लड़ाई के रूप में वहाँ पर आज जानी जाती हूँ या मानते हैं लोग, शायद मैं नहीं रहती। तो लेकिन HRLN का बहुत बड़ा एक योगदान था कि उन्होंने तुरंत भरोसा करके कॉलिंग गुंजाल सर ने सुप्रीम कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, उसमें मैं ऐसे जेल में बैठी थी चुपचाप ऐसे टीवी देख रही थी, तो वहाँ पट्टी में चल रहा है शोरी को कलकत्ता ले जाना है इलाज के लिए, पूरा अड़कम मच गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो मेरे को इतनी दिन की जो नर्वसता इतना दिन का जो उदासीपन मेरे अंदर में ना मैं व्यक्त नहीं कर पा रही थी, एकदम एकदम खुशी था या गम था मैं कल्पना ही नहीं कर सकती, पूरे लोग जितने बंदी आते आके मेरे को पकड़ लिए और अरे आपके आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मतलब होता है ना कि एक आदिवासी हैं हम, हमारे लिए कौन सोचता है, इतना बड़ा कोर्ट सोचना वो भी मायने रखता है। तो वहाँ जो मेरे पास के जो बंदी आते इतने खुश हो गए कि हमारी दीदी को आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आज ले जाएंगे, अब ऐसा है तो हमारे लिए भी सुनने वाला एक ऐसा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में, इतना है करके इतने खुश हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर मेरे को तुरंत वहाँ से ले जाके कलकत्ता में इलाज हुआ, फिर इलाज होने के बाद फिर उसका इलाज हुआ, फिर वहाँ पर मेरे जो बॉडी में जो पत्रे मेरे गुप्तांगों से जो पत्रे डाला गया था ना उसको फिर वहाँ निकाला गया, 7 जन का टीम था 7 डॉक्टरों का, बहुत जब पत्थर भी जब निकाला गया ना उस समय भी बहुत ही ज़्यादा दर्द ना, क्योंकि मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया था, कभी मेरे सर्जरी नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, एक गाँव में रहने वाली महिलाओं हमेशा अपने आप को स्टैंड मतलब एक फुर्तीला अब हम बचपनों से खेती कारी जंगलों
लोग घूमने वाले लोग हैं, तो हमारा शरीर भी वैसी टाइप का, तो सर्जरी से मेरा कभी तीनों बच्चे को नहीं। लेकिन वो जब पुलिस की कारनामा की वजह से जो चीज डाला गया था एक मतलब मेरे गुप्त, उसको उस तरह से निकाला गया जिसमें मैं बहुत रोई थी, बहुत दर्दों से। उस समय तो मेरा कोई वहाँ था ही नहीं। फिर उसमें भी लड़ाई हुई, पुलिस प्रशासन छत्तीसगढ़ की पुलिस आई, बोलती नहीं इसका जो भी निकला है इसका जो मतलब यहाँ से जो जाँच के तले जो पत्रे निकला गया उसको हमको दिया जाए। फिर कुछ डॉक्टर लोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ थे, कुछ नहीं थे, तो फिर उनके सामने भी मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा कि मेरा यही एक सच्चाई है, मैं एक ऐसी आदिवासी महिला हूँ और मैं जंगलों में रहने वाली सीधी साधी भोले भाले लोग में एक टीचर भी रही हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, यही एक चीज़ है, इसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट भेज दीजिए। वहाँ भी रोना पड़ा मुझे। तो फिर मेरे को ना छत्तीसगढ़ की पुलिस बोलने लगी, ये रिपोर्ट क्यों मांग रहे हो, नहीं सॉरी ये रिपोर्ट को मांगो तुम अपने पास, क्योंकि तुम मांगोगे तो देंगे। फिर बहुत लड़ाई हुआ, बहुत लड़ाई हुई, फिर भी अंत में वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो कोलिन सर एच आर का बहुत बड़ा ये था, पहुंच गया। उसके बाद फिर मेरे को वापस वो जेल में डाला गया। उसके बाद से मेरा जो भी है देख रेख सब, उससे पहले तो बहुत सारा चीज़ बताऊँ तो बहुत लंबा स्टोरी है। फिर मैंने जेल में आई, मतलब रायपुर जेल में लंबे समय तक वहाँ रहा। फिर वहाँ पर भी मैंने देखा कि कुछ महिलाओं को जब ना मैं रोती थी जब ये सब नहीं होने, जो कहानियाँ में जो कहानी नहीं है सरासर मेरे साथ हुआ चीज़ को बताया, तो वो चीज़ होने से पहले जब जेल में थी ना कुछ महिलाओं ने मुझे कहा था उनके जो चेस्टों को निप्पल काट दिए गए थे, उनके चेस्टों के तनों को पूरे नोच दिए गए थे। एक जन का तो इतना भयानक तरीके से था कि उसको ना दांतों से कटा हुआ था, एक निप्पल को काट दिए तो बहुत उसका राउंड में अजीब सा दिखता था। तो मेरे को बोलने लग, पता है दीदी आप सोचते होंगे ना कि हम लोग कपड़े पहनते हैं तो हमारा शरीर बहुत अच्छा है, नहीं है दीदी, हम भी इसी तरह कुचल के आए लोग हैं, हमारे भी तनों को पूरी तरह से तस नस कर लिए, तो अब यहाँ से भी हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मैं बोली नहीं, तो आप ऐसे कहीं सोच रहे, आप ये मत सोचना आपके साथ जो हुआ तो किसी के साथ नहीं, सबके साथ ही हम जितने यहाँ महिला आए ना हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। दीदी आप पढ़ी लिखी हो, आप शिक्षित हो, आपकी आवाज़ देश भर के लोग सुनेंगे, आप लिख सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप लड़ो ना दीदी, आप लड़ो ना दीदी। उसने उन लोग ने ही किया था तब मैं चिट्ठी लिखी थी, ये बात पहले बताना चाहिए तो मैं बता, तो तब के बाद मैं लड़ी। तो आज उसके बाद उन महिलाओं से मैंने पूछा था, बहन आप लोग अगर निकलोगे तो कहाँ जाओगे, तो दीदी हम निकलेंगे तो माओवादी में जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों, माओवादी में नहीं जाना, आप उसी समाज में जाना है, उसी जगह में रहना है, आप ऐसा क्यों सोच रहे। तब उन्होंने कहा था किस समाज में जाने की बात कर, कौन सा समाज, क्या ये शरीर को लेके अब अगर हम समाज में जाएंगे, समाज में जाने के बाद जब हमारी शादी होगी, शादी होने के बाद जो पुरुष हमसे शादी करेगा, जो हमारे शरीर के तनों को देखेगा, हमारे शरीर को देखेगा, वो तो ऐसी लात मार देगा, सिर्फ हमारा शोषण करेगा, लात मारे, नहीं हम नहीं रहेंगे। और आज भी वो ना नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी चीज़ें होता गया और ये सब